पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की घेराबंदी करते हुए पैर में गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश गुलबहार घायल हो गया है, जबकि घायल बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश गुलबहार के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और चार कारतूस बरामद की हैं। आपको बता दें कि घायल बदमाश गुलबहार के खिलाफ मुजफ्फरनगर जिले में लूट, हत्या, गैंगस्टर चोरी जैसे संगीन केस 12 से ज्यादा थानों में दर्ज हैं। रोहना चौक इंचार्ज अपने टीम के साथ लॉकडाउन का अनुपालन कराते हुए और जो चेकिंग कर रहे थे, जो रोहना से छपार के लिए रोड गया है, उससे एक मोटरसाइकिल से दो युवक तेजी से आ रहे थे। जैसे ही पुलिस ने उनको हाथ दिया तो उनको लगा के पुलिस ने उन्हें घेर लिया है, और वो जैसे ही उन्होंने मुड़े जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा उन्होंने फायर किया। पुलिस ने जो अपनी जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम गुलबहार है, जो कि हमारे जनपद का रहने वाला है, मूल रूप से थाना भोपा क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर दर्जनों मुकदमे हैं और ये हमारे कोतवाली से ही जो इसी गैंगस्टर की जो उसमें गैंगस्टर में वांछित भी था और एक 307 के मुकदमे में वांछित था और 25,000 का इस पर इनाम भी था। उसको अभी गिरफ्तार किया है, उसको उपचार हेतु भेजा गया है, और जो उसका दूसरा साथी था वो अभी गन्ने के खेत का फायदा उठा के यहाँ से भागा है, जिसकी हम लोग काम भी कर रहे हैं, और अन्य जगह से भी कहाँ कहाँ से वांटेड है, इस पर कहाँ कहाँ से इनाम है, उसकी भी हम लोग।